सारी छूट दी गई है वो खुला करेंगे, वो भी चिन्हित कर देंगे हम लोग, और उन पे ही टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल रहेगी, अन्यथा पूरी सिटी में इंटरसिटी ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक सिस्टम, अपने अपने टैक्सी सिस्टम है उसको भी हम लोग बंद कर रहे हैं। प्राइवेट किराने की दुकानों को एग्जेम्पशन दे दिया गया, राशन की दुकानों को दे दिया, आटा चक्कियों को दे दिया, बैंक एटीएम्स को दे दिया गया। बैंक के अंदर आप लोगों को रिक्वेस्ट करें कि पब्लिक को अपने जागरूक कीजिए, खाली जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन से चेक के क्लियरेंसेस है वो करें। अब कोई पासबुक अपडेट कराने पहुंच गए, इस तरह की जो नॉन कमर्शियल सर्विसेज है नॉन एसेंशियल, उनको बैंक्स को भी अपने पालन कर रहे हैं, वो भी इसको बंद करें ताकि अनावश्यक रूप से वहां भी भीड़ भाड़ नहीं रहे। सर जहाँ जो भीड़ कर इकट्ठी करके ये मास्क वितरण कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर? डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी आज तो देखा होगा आपने पूरी तरीके से जनता कर्फ्यू लागू किया, इसी को हमने और ज्यादा प्रभावी करने के लिए 144 को अमेंड किया ना, पता है 5 ही संख्या पे ले रहे हैं, इसका जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी आज से। सर मेन प्रॉब्लम ये, अगर मंडी में अगर दुकानें खुली है तो लोग बड़ी संख्या में जाते हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं है कि कम लोग दुकान पे पहुंचे और वो खरीदारी करें? कुछ जिलों में इसका प्रायोगिक तौर पे किया, उसको सक्सेसफुल माना, इसमें पूरे स्टेट भी रहेगा। हम सब्जी मंडी में जितने भी ठेले वाले हैं जिनको अपना काम भी बंद करना पड़ रहा है तो वो अपने पास ठेले अवेलेबल हो गए, सब्जी मंडी में भी कुछ ठेले वाले हैं, उनसे बात करके जोन बांट के उनसे रोड टू रोड भिजवाएंगे ताकि हमें मंडी में उसको कम करना पड़े। अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, बहुत बाकी डिटेल्स में आपको कल सुबह तक बता पाऊंगी। हम पहले हमें ठेला वालों से सबसे बात कर लेने दीजिए, ये एक प्रयोग है जो कुछ जिलों में किया गया है, वो सक्सेसफुल है, तो हम एक बार बात करके इसी पैटर्न पे यहाँ के लिए जो भी सूटेबल होगा उसको हम एक बार तैयार कर रहे हैं। वो भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन बिल्कुल लॉरी भीलवाड़ा वाला ऑप्शन है, प्लस हमारे यहाँ उपभोक्ता भंडार है, उसके कॉर्नर शॉप से उधर भी हम रखवाने का सोच रहे हैं। इसका भी सोच है, इसका प्लानिंग हम कर देंगे कि मंडी में आपकी भीड़ कम हो जाए। वो भी बेसिकली इसमें जो कह रहा हूँ, जहाँ अपने सब्जी मंडी में भीड़ भाड़ रहती है तो उनमें भी चूंकि अब लॉकडाउन है, रोड्स खाली है, हम उनको भी स्पेसिंग करा देंगे ताकि वहाँ भी इस तरह की भीड़ नहीं हो, इसको भी हम इंश्योर करेंगे। और वो भी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि जो एक मीटर की सोशल डिस्टेंस रखा है सभी से, उसको भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जागरूक करें। वहाँ पर हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है नगर निगम के, उनके मार्फत मंडियों में भी कंटिन्यूसली इस चीज़ को हम लोग रीट्रेड कर रहे हैं कि भाई इस डिस्टेंस को मेंटेन करें। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, बैंक एटीएम, आपको एक लिस्ट भी दी है हमने लोगों ने जो 144 लागू होगा इमीडिएटली विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे टू नाइट, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। उसमें जिन जिन लोगों पे ये लागू नहीं होगा मैं आपको एक टेंटेटिव लिस्ट बता देती हूँ। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, फूड और ग्रोसरी शॉप्स, मेडिकल की दुकानें, पीडीएस की दुकानें, डेयरी, दूध की बूथ्स, बैंक्स, एटीएम्स, प्रेस और मीडिया एस्टेब्लिशमेंट्स, आईटी और आईटी कंपनीज, रेस्टोरेंट और ईटरीज जो टेकअवे का काम करते हैं, पेट्रोल पंप, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स, पेट्रोलियम एंड गैस स्टेशंस, डिपोज, टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज, घर पे बैठे रहने के लिए बहुत जरूरी है इंटरनेट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि जो भी फैक्ट्रियां कोई भी महत्वपूर्ण कमोडिटी जैसी दवाई या आटा वगैरह बना रही है उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुली रहेंगी। उसके अलावा जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो गुड्स व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, वो चालू रहेंगे। तो ये मोटा मोटा हमारा एक्सेप्शन रहेंगे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि ये उस प्रकार का 144 नहीं है कि आपको रोड एकदम वो हो जाए कि लोगों को परेशानी आने लगे। कई बार जब हम कर्फ्यू लगाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में तो दूध पानी की दिक्कतें हो जाती हैं, वो बिल्कुल नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी, पानी बिजली जैसी यूटिलिटी के ऑफिस भी खुले रहेंगे। इसका पर्पस बहुत ही स्पष्ट है, हम लोग जितना घर के अंदर रहेंगे उतना हम इस महामारी से बच सकते हैं, खुद भी और अपना पूरा शहर भी और अपना पूरा जिला भी। पर इसके दौरान किसी को कोई परेशानी नहीं हो, किसी को इस प्रकार की बात नहीं आए कि भूख से मरना पड़ रहा है, उसके लिए ये सारी सुविधाएं, एसेंशियल सर्विसेज सभी के लिए अवेलेबल रहेंगी। उसके साथ साथ जितने भी अपने लोग पीडीएस के माध्यम से गेहूं लेते हैं उसके लिए एडवांस लिफ्टिंग अप्रैल मई की करके हम उनको हमें बांटने के निर्देश आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं, उसको हम बांटेंगे गांव में भी और शहर में भी। जो लोग उसमें नहीं आते हैं, जो लोग किसी भी कारण से उस लिस्ट से छूट गए लेकिन उनकी दैनिक दिनचर्या अपनी डेली लेबर से ही चलती है और उनको कुछ दिन बाद खाने पीने की परेशानी आने की संभावना बनती है,
उन लोगों के लिए फूड पैकेट्स हम तैयार कर रहे हैं, हमारे ऑलरेडी 10,000 के पैकेट्स की तैयारी है। इसमें हमें सरकार से किसी प्रकार की परेशानी नहीं, हमें खुली छूट, हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस प्रकार कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो। लेकिन फिर भी क्योंकि ये संख्या आने वाले समय में कितनी बढ़ेगी हमें कुछ पता नहीं है, आपके माध्यम से मैं सारे संस्थाओं को, दानदाताओं को अपील भी करना चाहती हूँ, हम लोग ये सारा पैकेट उपभोक्ता भंडार के माध्यम से बना रहे हैं, आपका जितना सहयोग रहेगा उतने अच्छे से हम हमारे उदयपुर के लोगों को संभाल पाएंगे। मैं एक बार पूरा कर लूं। उसके अलावा एक इशू जिस पे मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रही थी, ये होम क्वारंटाइन की बात। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज दिन भर से बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारी बातें फैलाई जा रही है। लगभग 250 के करीब लोग हैं पूरे जिले में जिनको स्पेसिफिकली जो फॉरेन रिटर्न है, जिनको घर पे रहने के लिए बोला है। उसके अलावा करीब 3,000 लोग ऐसे अभी तक हमारे चिन्हित हुए हैं जो बॉम्बे या महाराष्ट्र की किसी सिटी से वापस आए हैं। इन सभी को होम क्वारंटाइन बोला है, उनके हाथ में स्टैंप लगा रहे हैं, उनके घरों में हम टीम भेज रहे हैं जो जाके इंश्योर करे कि वो वहाँ पे ही है। उसके अलावा पुलिस से भी SP साहब ने टीमें भेजी है कि वो वहाँ पे रहे। इस तरह से निगरानी इस तरह से हम कर रहे हैं, प्लस मेडिकल की जो फॉरेन कंट्रीज से आए 250, उनकी मेडिकल टीम्स भी उनके घर जाके डेली चेक करती है कि उनकी तबीयत कैसी है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, कुछ जगह पे लोगों में ये अफवाहें फैल रही हैं कि ये व्यक्ति के पास इतनी बार चेकिंग हो रही है मतलब शायद ये पॉजिटिव हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से हम एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जितना हम आइसोलेटेड रहेंगे उतना अगर 15 दिन अगर उनमें गलती से कहीं है भी, 15 दिन में वो वायरस का खतरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों से पहले तो मैं प्रथमतः ये कहना चाहूंगी, आपको जिसको भी होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है प्लीज इसकी पालना करें। कुछ लोग मेरे को मैसेज करके ये भी पूछ रहे हैं कि हम तो एकदम ठीक है, कोई सर्दी जुकाम नहीं है, हमें क्यों बंद किया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सर्दी जुकाम हो, नहीं होगा आज के दिन, हो सकता है 4 दिन बाद हो तो आप पॉजिटिव निकल के आ जाए, ये भी हो सकता है पूरे 15 दिन आप नहीं हो फिर भी आपके अंदर कोई लक्षण रह गया हो, ये भी संभव है, क्योंकि हमें किसी को भी इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये सारी संभावनाओं को देखते हुए चाहे आपके अंदर लक्षण नहीं भी हो, आपको इनफैक्ट जिनको लक्षण नहीं है खास करके उनको हम घर में रहने के लिए कह रहे हैं, जिनमें लक्षण है और उन्होंने ट्रैवल भी किया हुआ है बाहरी देशों से, उनको तो हम हॉस्पिटल में ला के रख रहे हैं और एक लेवल और सावधानी बरतने के लिए। तो पहले तो आप कृपया करके होम क्वारंटाइन की प्लीज पालना करें, और दूसरा आसपास के लोगों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इनको क्यों होम क्वारंटाइन में रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पॉजिटिव है, प्लीज उनको परेशान ना करें। ऐसे ऐसे मेरे को बातें आ रही हैं कि सोसाइटी के लोग आके हमें धमका रहे हैं, कृपया करके ऐसी चीजें ना करें। ये सिर्फ आप लोगों के वजह से ये लोग घर के अंदर अपने आप को बंद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको किसी चीज की जरूरत है उनकी मदद कीजिए, बट उनसे दूरी बनाए रखिए 15 दिन के लिए। अब एनी क्वेश्चन? एक तो आपने बोला नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा कि 15 दिन बाद ही लक्षण हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ कि किसी के पास कोई भी लक्षण नहीं है, पहले दूसरा दिन उसने वो आया उसको जुकाम नहीं है, 4-5 दिन तक जुकाम नहीं है, बट हो सकता है 10वें दिन हो जाए। तो अभी जो मेडिकली माना जा रहा है 14 डेज होम आइसोलेशन कम्प्लीट, और उसके बाद अगले 14 डेज के लिए ये व्यक्ति को हम बोल रहे हैं या तो हम फोन करके पूछ रहे हैं कि आपके कोई लक्षण तो नहीं डेवलप हुए, या वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के 28 डेज का एहतियात है जिसमें 14 डेज घर के अंदर बंद रहने का। नहीं देखिए, जहाँ तक हमारे रूरल उदयपुर का प्रश्न है, लगभग 90% लोग, 90% से ज्यादा लोग NFS से यानी कि PDS से जुड़े हुए हैं। PDS के लिए तो हम गेहूँ उनको ऑलरेडी अवेलेबल कराने जा रहे हैं, आटा चक्कियां खुली रहेंगी। उसके बावजूद अगर जैसे मैंने आपको कहा कोई व्यक्ति PDS से नहीं जुड़ा हुआ है तो उनके लिए हम फूड पैकेट तैयार कर रहे हैं। इसका अभी ये सारी मोडालिटीज देखिए, ये अभी आदेश आई है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स हमें करनी पड़ेगी। हेल्पलाइन भी रहेगा, कंट्रोल रूम भी रहेगा, पब्लिक से भी हम फीडबैक लेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी लेंगे, एक सिस्टम हमें अभी ईजाद करना रहता है। जैसे ही हम उसको कर देंगे वो हम आपको दोबारा कल तक पब्लिसाइज कर देंगे। नो पॉजिटिव सो फार। आज के लिए होम क्वारंटाइन कर रहे हैं आप, वहां पर टीचर्स की ड्यूटी लगा रखी है, जबकि स्टेट का एक आदेश है कि टीचर्स को मतलब छुट्टी दे दी है, तो यहां पर के टीचर्स प्लीज अंडरस्टैंड। लेट मी अच्छा आपने ये पूछा,
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जब भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिजास्टर होता है जैसे कि ये महामारी है, हम किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज को किसी भी प्रकार के काम के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, वी आर कंप्लीटली एम्पावर्ड. डोर टू डोर हम टीचर्स और दूसरे लोगों को, पटवारी, ग्राम सेवक, सबको लगा रहे हैं, नॉट ओनली टीचर्स. ओके, एंड ये करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अपने यहाँ महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा लोग वापस आ रहे हैं घर. ये बॉर्डर कल रात से बंद किया गया है लेकिन पिछले 7 दिनों में बहुत सारे लोग आए हैं. अगर हम इनको लिस्टिंग नहीं करेंगे, अगर हम इनको ट्रैक नहीं करेंगे, इनके सिम्टम्स नहीं देखेंगे, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि बीमारी कहाँ से फैली है, कहाँ से शुरू हुआ. इसलिए हमें बहुत जरूरी है एक एक व्यक्ति जो बाहर से आया है उसके हमारे पास डिटेल होना जरूरी है. और इसके लिए हमने उनकी ट्रेनिंग सेशंस रखी है कि आपको किस प्रकार का, एक तो ये जो डर है लोगों में कि हमें भेज रहे हैं, हमें हो जाएगा, नन ऑफ देम आर पॉजिटिव राइट नाउ, बट हम एहतियात बरत रहे हैं. ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव होगा और आप उसी के एरिया में काम कर रहे हो, जैसा कि जिसकी ड्यूटी लगाई है उसी एरिया का है, तो वो बीमार अगर निकलता है और हमने उसको चिन्हित नहीं किया, तो आप अपने घर में बैठ के भी आप बीमार हो सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी काम कर रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने बढ़िया तालियां बजाई हैं आज 5 बजे. तो इसी तरह से ये सब हम सबको मिलकर ये काम कर रहे हैं. अभी ये चिन्हीकरण का काम एक दो दिन चलेगा, बट क्योंकि अभी अपनी बाउंड्री सील हो गई है तो एक दो दिन बाद इनका काम कम होगा. लेकिन आने वाले समय में अगर होम आइसोलेशन की केसेस बढ़ेंगे, निगरानी के रूप में हमें हर प्रकार की सरकारी कर्मचारी अधिकारी की सेवाओं की जरूरत पड़ेगी और इसमें कोई रोक नहीं. ये करीब 2,500 के करीब है. हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी पे लगाया और वो 9 महीना गर्भ से, उसके वहाँ पर रिक्वेस्ट करने पर भी उसने कहा कि भाई इमरजेंसी लेके आपको नौकरी तो करनी ही है, तो क्या गर्भवती महिलाओं के लिए भी स्पेशल है कि नौकरी? देखिए, वो कौन से हॉस्पिटल से किसकी ड्यूटी लगी है, दैट इज समथिंग शी शुड टॉक विद हर इंचार्ज एंड नॉट टॉकिंग अबाउट इट पब्लिकली, बट इवन इफ शी इज टॉक्ड अबाउट इट पब्लिकली, इसका डिसीजन उनका इंचार्ज देंगे. अगर उससे उनको कोई परेशानी है, उनके नेक्स्ट हायर अप से उनसे बात करनी चाहिए. ये कोई पब्लिक से संबंधित इशू नहीं है. जिन्हें 500 मजदूर काम करते फिर भी वो खुला रखते हैं अपना व्यवसाय. जैसे आपको अभी बताया, 5 लोगों से ज्यादा का लॉकडाउन का ऑर्डर आज से चालू हुआ है, इससे पहले कोई रोक नहीं थी. उसमें भी जो एसेंशियल है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल कोई मास्क बनाने की फैक्ट्री है, कोई आपकी आटा चक्की की फैक्ट्री है, कोई गेहूँ पीसने की फैक्ट्री है, कोई बैंडेज बनाने की फैक्ट्री है, ये सब आज भी चालू रहेंगे, चाहे उसमें 500 लोग भी हो, बट विद ऑल द प्रिकॉशंस व्हिच इज बीइंग टेकन. जी, घरों से पांच से ज्यादा के ग्रुप में निकलने में बिल्कुल रोक है, बट आप जाए दूध खरीद के वापस घर में चले जाए, कोई रोक नहीं. अवगत कराया ना, जैसे लॉकडाउन है तो सभी कुछ चीजें बंद है, तो खाली एसेंशियल हॉस्पिटल और मेडिकल और अपने जो राशन की दुकान तक ही तो जा सकता है. तो अननेसेसरी ट्रेवल्स को अवॉइड करें, जैसे जैसा आज किया गया. आपके दुकानें भी बंद है, सारे आपके शॉप्स भी बंद है, सारे आपके नौकरी करते हैं.